गोविंद जी, क्या ये आपका सगा भाई है? हाँ, गोविंद मेरा बड़ा बेटा है और कृष्णा छोटा। तो आपका एक भाई भी है जिसके बारे में आपने हमें भनक भी नहीं लगने दी। यही मौका है, और कुछ छुपाया हो तो वो भी बता दीजिए। दरअसल बात ये है कि मैं इंडिया में था ही नहीं, मैं यूएस गया था। वो एक्चुअली मेरे जो ससुर जी हैं वो एक ट्रिप के लिए यूएस गए थे और वहाँ जाकर उनकी तबीयत खराब हो गई, तो इसलिए मुझे और मेरी वाइफ को वहाँ जाना पड़ा। बस जैसे ही उनकी थोड़ी तबीयत सुधरी मैं वापस आ गया। दादा ने तो कई बार मुझे फ़ोन किया, कहा कि नंदिनी की शादी है, आप सब लोगों से मिलना है, तो बस मैं सीधा एयरपोर्ट से यहीं आ रहा हूँ। और यहाँ आते वक्त प्रेम और नंदिनी मिल गए, उन्हें साथ ही लिया। इस शक्कर की तरह तुम्हारी गृहस्थी भी हमेशा मीठी रहे, खूब बरकत रहे। ये साड़ी नई नहीं है, पुरानी है, लेकिन पूरे बाजार में और मेरे पास इससे अच्छी साड़ी मुझे नहीं मिली। मेरी नानी ने मुझे दी, मेरे लिए इससे अच्छी और इससे बेहतर साड़ी कोई हो ही नहीं सकती। जाओ बेटा, ये साड़ी पहन के आओ। प्रेम, हाँ?
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणेश ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि। गोविंद जी अब आप यहाँ आके रस्म शुरू करें। आई क्या हुआ, तू नाराज क्यों है? आई इतने सारे मेहमान आए हुए हैं, ऐसे नाराज होना अच्छा लगता है क्या? चल बाहर चल। चल नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। ये जो इस मनुष्य को सब मिल रहा है ना, वो हमारी सुमी को मिलना था। कैसी बातें करती है? प्रेम अगर नंदिनी को पसंद करता है तो क्या हमारी सुमती उसके साथ खुश रह पाती? नहीं ना। मेरी बात मान, भार चल प्लीज। कृष्णा बेटा, तू ही तो मेरा सहारा है। तू कहता है तो मैं चलती हूँ, ठीक है? यही ना बात, चल। ओ हरिहरो वायुर महेंद्रो अनलश्चंद्रो भास्कर वित्त पाल महेंद्रो अनलश्चंद्रो भास्कर वित्त पाल वरुणा वृदा हरिपा जाग्रह प्रद्युम्नो नल कुबरो सुर गजश्चिंता मणि कौस्तुभ कुलधरा कुरवन्तु मंगलम ओम लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धनवंतरि चंद्रमा। स्वस्ति नस्तारेचो अरिष्ट नेमी स्वस्ति नो बृहस्पतिर ददात ओम वायः पृथिव्यां। हेलो, तुमने सोचा भी कैसे कि ये शादी हो सकती है? अभी भी वक्त है, तोड़ दो इस शादी को, वरना नंदिनी के अतीत को मैं पूरी दुनिया के सामने इस तरह ले आऊंगा कि वो प्रेम तो क्या किसी से भी शादी करने के लायक नहीं रहेगी। कौन सा अतीत? किस अतीत की बात कर रहे हो तुम? इतने भोले मत बनो गोविंद, जो राज तुम्हारे सीने में दफन है वो मैं भी जानता हूं और बहुत जल्द पूरी दुनिया भी जान जाएगी। तुम चाहते क्या हो? इस शादी को अभी तोड़ दो, वरना मजबूरन मुझे इस राज को दोनों परिवारों को बताना पड़ेगा। अब वर और कन्या एक दूसरे को अंगूठी पहनाएंगे। We'll be right back.
क्या हुआ? मुबारक हो, आपको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत जीते रहो। तुम सुंदर भी हो और चतुर भी, समझदार भी। अरे नहीं नहीं, मुझे ये सब पसंद नहीं, प्लीज मेरे पैर वैर मत छू। इन्हें लाइक वैसे भी पहली बार पांव छू रहे। चल अपने भाई से अच्छी तरह आशीर्वाद ले। चलो बस बस ऐसे। नंदिनी तुम जल्दी घर आ जाओ, मेरा भाई वैसे ही पागल हो चुका है। पागल हो गया तुम्हारे प्यार। हाँ, और वैसे भी आज से मैं आपकी साली हो गई, और वो कहावत तो आपने सुनी होगी, इसलिए ना मुझसे बच के रहना। हाँ ये बात तो तुमने सही कही, तुमसे तो सबको बच के रहना चाहिए, है कि नहीं? काकू साहेब, आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत जरूरी है। आप ही की वजह से तो मैं इस घर में हूँ, वरना मैं कहाँ जाती? एक बार बस अपना हाथ मेरे सर पे रख दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आई, अब आशीर्वाद दे भी देना। ऐसा क्या? मेरे आशीर्वाद से क्या होता है? इतना बड़ा घर मिला है और मैं क्या दूं? आशीर्वाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाउस साहब ने आपसे रिश्ता तोड़ दिया, फिर भी आपने हमारी इतनी मदद की। ये मेरा भी परिवार है और इस घर के हर सदस्य का सुख दुख मेरा भी सुख दुख है। कि आपने जो कुछ भी किया हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। आप नहीं होते तो न जाने। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। नंदिनी मेरी वहिनी की छोटी बहन है और उसके साकरपुड़ा के दिन मैं भी उसकी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। नंदिनी हमारे घर में ही पली बड़ी है, हम सब लोग उससे बहुत प्यार करते हैं। खुश रखना उसे। नंदिनी मेरी तरफ से। नंदिनी जीते रहो बेटे, जीते रहो। जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाना, यही मेरा आशीर्वाद है। और सुनो, ये अब मेरी बेटी है। अगर तुमने इसे किसी तरह की तकलीफ दी या इसकी कोई शिकायत आई मेरे पास, तो मैं क्या करूंगी जानते हो? नहीं नहीं नहीं, पहले तो ऐसे कोई शिकायत आएगी नहीं माँ। और फिर सच ये कि अगर तुम दोनों नहीं होते तो नंदिनी मेरी जिंदगी में नहीं आती। अरे अब हो गया ऐसा करो, अब तुम्हें कोई भी कभी भी अलग नहीं कर सकता है।
विदाई से पहले यहां से। तब क्या होगा जब मैं आपकी बहन को असली में विदा करके लेके जाऊंगा? दुनिया की हर खुशी, हर सुख तुझे मिले। बिल्कुल। माय गॉड, इतना फ्राइड खाना मैंने कभी नहीं खाया। एक लीजिए। नहीं नहीं बस दादी देखो। इसमें बाल है। हाँ बाल कॉर्ड दीजिए। मैं आपको ये दे। अरे नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस घर जाना है। माय गॉड मैं नया बना के लाती हूँ। अरे आप, आपके घर गेस्ट आए हैं, आप ऐसा खाना सर्व करते अपने गेस्ट को? जिस घर में हेल्थ और हाइजीन का ख्याल ही नहीं है मुझे वहां नहीं रहना है। क्या तुम ही मेरे पीछे पड़े हो? अरे इसमें बाल निकला है, अगर कॉकरोच निकले तो वो मैं खा लूं? रिलैक्स। नहीं आप तो सुनिए। नहीं नहीं अब हम यहां कुछ नहीं खा सकते। मन इतना खराब हो गया है कि अब इजाजत दो। उर्मिला इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा मत बनाओ। अरे कैसे बड़ा मत करो, बेचारी बीमार हो जाती तो। हमारी उर्मिला बड़ी नाजुक है, कुछ हो जाता तो। देखो कल्याण अगर तुम यहां रुकना चाहते हो तो तुम रुको, हम अब नहीं रुक सकते। गौतम तुम चल रहे हो? हाँ गोविंद जी इजाजत दीजिए।